पापा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये तराजू टूट गया तो हमने लाओ इसको सही कर लें, और ये अनाज अनाज अभी तौलने के लिए होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और तुम बताओ, स्कूल से आ गए? हाँ पापा भी आए स्कूल से। अच्छा, और बढ़िया साहब, और क्या चल रहा है स्कूल में? पढ़ाई सही चल रही है? पढ़ाई तो सही चल रही है पापा। एक बात कहनी थी। हाँ बताओ बेटा, क्या बात? स्कूल में फीस मांगी पापा। अच्छा अच्छा, कहा है कल तक जमा कर देना, अगर जमा नहीं की तो स्कूल मत आए। चल बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस का सुबह तक इंतजाम कर दूंगा, तू स्कूल चला जाना, तू अपनी पढ़ाई कर मेहनत से, ठीक है? फीस का मैं इंतजाम करता हूँ, कते चिंता मत रहा। हाँ जा बेटा, अंदर जाके खाना खा ले, रखा जा, आराम कर ले, ठीक है? मैं तेरी फीस का इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? पढ़ाई करियो अपनी, ठीक है बाबा। हाँ मालिक, राम राम। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ मालिक, बढ़िया। कैसे आना हुआ मालिक? हमारा बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है और फौजी की भी तैयारी कर रहा है, तो स्कूल वालों ने कहा है कि कल से अगर फीस नहीं है तो स्कूल में बताना, तो मालिक अगर कृपा हो जाए तो कुछ पैसे मिल जाए बच्चे की फीस जमा कराने की। मालिक पैसों की तो देखे कोई बात नहीं है। अच्छा, तेरे जैसे लोग जो होते हैं ना पैसे लेने के लिए तो बहुत पैसे आते हैं अपने, जो भी होता है बताते हैं, हम तुम्हारी सबकी परेशानी उनके पास दे देते, पर पैसे लौटाते तो नहीं हो बिल्कुल भी। नहीं मालिक, हम गरीब आदमी है, बेईमान नहीं मालिक, पैसे सब वापस कर देंगे आपके मालिक। चलिए पुराने विश्वास करके तुम पे पैसे दे रहे, पैसे लौटा देना, वरना तुम अच्छे से तुम जानते हो हमें पैसे लौटाना आता है। जी मालिक, जी मालिक, वसूलेंगे बहुत पूरी तरह से वसूलते हैं, फिर हम जब ये बात कहना है वापस कर देंगे मालिक साहब, ये बच्चे की पढ़ाई की बात है। ठीक है ठीक है, विश्वास कर रहा हूँ तुम पे और दे रहे हैं। मालिक राम राम। ठीक है, अब कहाँ पैसे ले गए थे वो तुम? मालिक पैसे हो नहीं, इंतजाम नहीं हो पाया मालिक, इसलिए वापस नहीं कर पाया, जल्दी वापस कर देंगे मालिक। ये जाते समय तो तुम कहते हो कि हम जल्दी दे देंगे आके, पैसे इंतजाम कर लेंगे, अब तो तुमने दिए नहीं है पैसे हमारे। तुमसे तुम जैसे लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक तुमसे बदतमीजी पेश ना आ जाए तब तक तुम पैसे वापस करते नहीं हो। जाओ कहीं से भी दो के मेरे पैसे वापस दो। चलो पापा। विनीत। हाँ पापा। तुम यहाँ कैसे आ बेटा? कुछ नहीं पापा, आपके पास आए थे। तबीयत सही नहीं पापा आपकी? नहीं नहीं, तबीयत सही मेरी। तुम कैसे आए यहाँ? आपके पास आए थे, बहुत तेज बुखार है पापा आपको। नहीं आप दवाई लीजिए, चलो आपको दवाई लेनी होगी पापा, चलो। नहीं नहीं बेटा बैठो, जो उनके हमने गाँव में पैसे लिए हैं ठाकुर साहब के, बेटा उनके पैसे भी चुकाने हैं हमें। जमींदार साहब ने सुबह बुलाया था तुम्हारे सामने, देखा इतनी बेइज्जती कर रहे थे हम। बेटा गरीब आदमी है, बेईमान नहीं है, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए। अब जो है मजदूरी करके उनके पैसे चुकता कर देंगे, जिससे कल को वो सबके सामने में ताने ना मारें। और हाँ बेटा, तुम एक काम करो, सारे गांव में जितने अमीर लोग हैं इनके बेटे कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और उनके पास पैसा इसीलिए आज ये हमें धौंस दिखाते हैं। तुम जो है
आगे नौकरी करो और अच्छे से तैयारी करो और हमारा सर गर्व से ऊंचा करो, जिससे हम गांव में लोगों के सामने कह सकें हाँ ये मेरा बेटा है, और उनके सारे पैसे भी चुकता कर देंगे हम और उनके सामने सीना उठा कर चल सकेंगे। बेटा तुम तैयारी करो, मेरी बस यही इच्छा है कि तुम जो है आगे चल के फौजी बनो और इन लोगों के सामने सीना तान कर खड़े हो। तुम इतना करोगे मेरे लिए बेटा? हाँ पापा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा पापा, पर पहले आपको दवाई लेनी पड़ेगी पापा। चलिए आप, पापा आपको काम नहीं करना है कुछ, चलो। तैयारी करेंगी पापा। मैं दौड़ लगाने गया था ग्राउंड में, वहाँ पे कुछ लड़के थे, उन्होंने भगा दिया, कहा कल से यहाँ पे मत आना। क्यों? पता नहीं पापा। कोई बात नहीं बेटे, गांव के ये अमीर लड़के हैं, हम गरीब लोगों की भावनाओं को नहीं समझते बिल्कुल भी, ठीक है? रोते नहीं, मैं रोते नहीं, अब मेहनत करने वाला हूँ तो कभी रोना नहीं पड़ता है, जानते हो? तो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत हमेशा सफल होती है। ये अमीर लोग हैं, इनसे दूर रहो बेटा, ये जब तुम सफल हो जाओगे, कामयाबी पालोगे, तो ये लोग तुम्हारे खुद कदम चूमेंगे। रोते नहीं है, मेहनत करने वालों के साथ ईश्वर भी होता है, वो भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। और कल से ना तुम ग्राउंड में नहीं जाना, थी यहाँ बगीचे में जहाँ भी जाते हो वहां मत जाना अपने अकेले, हमारे यहाँ गंगा जी के किनारे वहां चले जाओ, हमारे खेतों में अपने अकेले तैयारी करो, किसी के साथ नहीं करनी, उनको कुछ बन के दिखाना है आगे, हमारा नाम रोशन करो, जिससे गाँव वालों के सामने मैं सर उठा कर कह सकूँ ये मेरा बेटा है, ठीक है? रोना नहीं है, कल से बहुत अच्छे से तैयारी करो। जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला, टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। Yeah.
पता जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की गति से गुजर के और जादू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को जर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो का पता जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की गति से गुजर के और जादू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को जर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया कर मैदान फतेह कर यार एक साल हो गए मेहनत करते करते दौड़ लगाते लगाते लेकिन आज तक यार भाई यार फौजी कौन आ रहा है अपने गांव में तो कोई भर्ती नहीं है अपने गांव में पता नहीं कौन आ रहा है ये कौन आ रहा है चलो देखते कौन आ रहा है एक साल पहले यहीं पे मिला था आपसे आपने दौड़ नहीं लगाने दी थी भगा दिया था मैंने अपनी मेहनत की और आज मैं पहुंचा सॉरी यार गलती हो कोई बात नहीं मेहनत करो फौजी बनोगे मुझे पूरा भरोसा है बेस्ट ऑफ लक और हाँ कभी किसी गरीब आदमी का मजाक मत सुनाना ठीक है जी। कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही पापा अच्छा आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई पापा दिक्कत नहीं पापा लेकिन आपको मैंने बहुत याद किया पापा
बेटा हमने भी तुम्हें बहुत याद किया, बहुत याद आई रात में तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी तैयारी के लिए, तुम्हारी फौजी बनने के लिए तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी था। आज तुम गए और तुमने अपनी मेहनत की और तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुम फौजी बन के आए। मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया, मैं गाँव में कह सकता हूँ कि हाँ विनीत मेरा बेटा है, मेरे इज्जत रख ली बेटा तुमने। हर किसी को भगवान ऐसा बेटा दे। चलो पापा उनके पैसे दे के आते मालिक साहब के। हाँ बेटा उनके, उन्होंने बहुत तंग किया। चलो चलो पहले बुक के आते। मालिक राम राम। हाँ ठीक हो? हाँ सही है मालिक, देखो मेरा बेटा फौजी बन के आया है। अच्छा, इसी लड़के के लिए पढ़ाई के लिए पैसे ले गए थे तुम? हाँ इसी के लिए पैसे ले गए थे हम पढ़ाई के लिए, और मेरा बेटा फौजी बन के आया, मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मैं गांव में सीना तान के चल सकता हूँ कि मेरा बेटा है। चलो चलो सही है बेटा, खूब तरक्की करो, मेरी तरफ से शाबाशी आपको, और सही है तरक्की करो। ये लो पैसे, पैसे लौटा दो, 500 रुपए ज्यादा देना है। हाँ मालिक, आपने मेरी बहुत बेइज्जती की थी पैसों के लिए, तो आपके पैसे, और हम आपकी पढ़ाई भी देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे बेटे को उस समय फीस के लिए पैसे दिए जब कोई नहीं मेरे साथ था। चलो बेटा चलो घर से। और हाँ मालिक, कभी किसी गरीब आदमी को बेईमान मत कहना, गरीब आदमी मजबूर हो सकता है और बेईमान नहीं हो सकता है। इक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और शेयर करने के लिए ऊपर बटन पर क्लिक करें, और फेसबुक व्हाट्सएप पर कहीं भी यदि आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।